हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत सारी वैकेंसी अकाउंटेंसी फील्ड में निकाली हैं, जिस पे हम एक एक करके बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2022 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 23, एडवर्टाइजमेंट नंबर 24, एडवर्टाइजमेंट नंबर 25, 26, 27 और 28 ये अकाउंट्स ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ग्रेड 3 इस तरीके की, या अकाउंटेंट ग्रेड 2 अकाउंटेंट, इस तरीके की वैकेंसीज आउट हुई थी, जिसके फॉर्म आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। हाल फिलहाल में ही सेक्शन ऑफिसर 66 वैकेंसीज थी सेक्शन ऑफिसर की, जिनकी अभी ऑनलाइन लिंक अवेलेबल है, आप भर भी सकते हैं। तो ये सारी की सारी अकाउंटेंसी से संबंधित, अकाउंट्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, तो इनके लिए आप फॉर्म भर भी सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 से लेकर 28 तक हैं, उनके फॉर्म तो अब बंद हो चुके हैं, लेकिन सेक्शन ऑफिसर जो 66 वैकेंसीज हैं सेक्शन ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट में, तो वो आप अभी भी भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा मेन फोकस आपके साथ ये डिस्कस करने का है कि जो ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड वैकेंसीज निकली हैं, जितनी भी, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 से 28 हो, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर की 66 वैकेंसीज हो, तो उनका सिलेबस पैटर्न क्या है, हम उसके आपकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। देखो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 से लेकर 28 तक जितनी भी वैकेंसीज हैं, 480 मार्क्स का एग्जाम होना है, जिसमें से 400 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस से जितना भी कंसर्न बनता है, या कॉमर्स फील्ड से जितना भी कंसर्न बनता है, उसके एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट मैटर से क्वेश्चन आएंगे, और 80 मार्क्स का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल बनेंगे 480 मार्क्स। कैसे बन रहे हैं जी? 120 क्वेश्चन है आपके, चार नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 120 × 4 = 480। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पीपीएससी ने सिलेबस को क्लासिफाई कर दिया है। अब बात करूं सेक्शन ऑफिसर के ऊपर, सेक्शन ऑफिसर में आपका 480 का एग्जाम होगा और 60 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर एक ग्रुप ए पोस्ट है, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी कंसिडर किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो थी आपके लिए जानकारी, और ये आप सबको पता भी होगी कि भाई किस किस तरीके से कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सेक्शन ऑफिसर का अभी तक सिलेबस आउट नहीं हुआ, लेकिन डैम श्योर, या कह सकते हैं आपकी प्रोबेबली 110% की गारंटी तो नहीं हम दे सकते, लेकिन प्रोबेबली यही सिलेबस रहेगा जो कि दूसरी पोस्टों के लिए आपको एप्लीकेबल किया गया था, जिसमें सबसे पहले थी अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के अंदर आप सभी देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स, आप मानिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं हम, बारी बारी हर एक टॉपिक के ऊपर आएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका सेकंड टॉपिक दिया गया है जो मेजर कंसिडरेशन के अंदर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे मेजर। उसके आगे फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमारी इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से फाइनेंशियल गवर्निंग कर रही हैं, वो सारी आ जाएंगी। ऑडिटिंग पूरा का पूरा कवर्ड है विद कंपनीज एक्ट, बिजनेस लॉ, सिंपल बिजनेस लॉ जितने हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इस तरीके का सिलेबस है। और छठा और लास्ट टैक्स लॉस, तो मतलब तकरीबन जो भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है, वो छः के छः सब्जेक्टों में टॉपिक वाइज आपको सिलेबस दे दिया गया है। तो इसमें दोस्तों हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच रहेंगे, दोनों तरीके के बैचेस रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना हो, नोट्स लेने हो, हम एक नया ग्रुप भी बनाएंगे, एक सेपरेट प्रिपरेशन, इसके अलग से बैचेस चलेंगे हर एक सेक्शन ऑफिसर एज वेल एज अकाउंटेंट। और उससे बाद एक और बात बता दूं जी, कॉमर्स लेक्चरर का भी तकरीबन सिलेबस यही मिलता है। कॉमर्स लेक्चरर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, आप सभी जानते हैं हर एक तकरीबन इन वैकेंसीज की हर एक क्वालिफिकेशन रही थी एमकॉम, तो एमकॉम में ही जो क्वालिफाइड हैं ऑटोमेटिकली वो कॉमर्स लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल थे, वही एलिजिबल थे जो एमकॉम और बीएड थे। तो इसलिए आप ये वैकेंसी भी भर सकते हैं, आपका ये वाला सिलेबस और कॉमर्स लेक्चरर का सिलेबस भी मैच करता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे पेड अनपेड दोनों बैचेस लेके आए आपके सामने। अभी हम पेड बैचेस भी शुरू करेंगे, हम ऑफलाइन बैचेस भी शुरू करेंगे, और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते चलेंगे। जिस प्रकार से भी आपको हमारी मदद चाहिए होगी, चाहे नोट्स के मामले में हो, चाहे यूट्यूब की वीडियोस पे हो, चाहे आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, तो हम एक नया ग्रुप बना रहे हैं दोस्तों, जिसमें
आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नंबर हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 7837724186। कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में मिलेगी और बार 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 हम इस टॉपिक को, सारे टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करवाएंगे, आपके टेस्ट सीरीज देखेंगे, जो पिछले एग्जाम है वो देखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप भी सिलेक्शन पाएं, चाहे वो अकाउंटेंट की पोस्ट हो, चाहे वो अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट हो, चाहे वो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट हो, और स्पेशली ग्रुप ए की सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हो। इनमें आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। बार बार हमारे चैनल से आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़ें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7837724186 से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।